दिल्ली में कालका जी के इलाके में एक छोटी सी गली में अब हम एक ऐसे नेता से बात करने वाले हैं जो एक तरह से ऑलरेडी एक नेशनल हेडलाइन बन चुकी है, इन पार्ट बिकॉज ऑफ हर इमेंस कॉन्ट्रीब्यूशन टू दिल्लीज एजुकेशन सिस्टम. आतिशी हमारे साथ है. आतिशी, इट्स वेरी नाइस टू सी यू बैक इन द इलेक्टोरल फ्रे. लोकसभा में तो हुआ, लोकसभा के चुनाव में जब आप हारी, हाउ डीमोरलाइज्ड वर यू आफ्टर? देखिए, जब हम लोकसभा का इलेक्शन लड़ रहे थे, इट्स नॉट एज इफ कि तब हमें लोगों का सपोर्ट नहीं मिला था. देयर वाज अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, अ लॉट ऑफ एंथुजियाज्म. लेकिन उस समय लोग देखना चाहते थे प्रधानमंत्री का चेहरा कौन. सो लोकसभा के इलेक्शन में आई डोंट थिंक इट वाज अ मैंडेट ईदर ऑन द वर्क आम आदमी पार्टी हैज डन और ऑन माय ओन कैंडिडेचर. आई थिंक दैट देयर वाज अ लॉट ऑफ लव, अ लॉट ऑफ सपोर्ट. बट डिड यू फील डीमोरलाइज्ड बिकॉज यू आर नॉट अ टिपिकल पॉलिटिशियन इन अ वे? यू आर द काइंड ऑफ पीपल जिसके बारे में कहा जाता है कि अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए. जब आप हारी और बुरी तरह से हारी, तो आपको लगा कि मैंने इतनी मेहनत की, मैंने सरकारी स्कूलों पे काम किया और मैंने इतना काम किया अपना दिल लगा के, लेकिन मैं जीत नहीं पाई? देखिए, जब आप पॉलिटिक्स में आते हैं तो आपको हार जीत के लिए तैयार होना पड़ता है. तो बीच में आप देख रहे हैं कि रुक रुक के हमें आतिशी जी के साथ बात करना पड़ रहा है क्योंकि औरतें आती हैं, सेल्फीज चाहती हैं. ज़्यादातर यहाँ जो बात है, जो मुद्दे हैं, वो मैं देख रही हूँ पानी की हो रही है. सो दीज आर द डेवलपमेंट इश्यूज. लेकिन ये जो डेवलपमेंट के मुद्दे हैं आतिशी, आप इनमें लोकसभा पर नहीं जीत पाई, तो आपको क्या लगता है कि लोकल चुनाव और नेशनल चुनाव, क्या इस देश ने आप एक तरह से फैसला कर लिया है कि वो चुनाव अलग तरीके से लड़े जाएंगे? देखिए, लोकसभा के चुनाव जब हुए उसी टाइम उड़ीसा में विधानसभा के चुनाव हुए, पर लोकसभा में एक रिजल्ट आया, विधानसभा में दूसरा रिजल्ट आया. हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड वोटेड सो वन साइडेडली फॉर बीजेपी इन द लोकसभा इलेक्शंस. विधानसभा इलेक्शन में हम देख सकते हैं दूसरा रिजल्ट है. तो लोकल इलेक्शन में, स्टेट इलेक्शन में लोग लोकल इश्यूज पे वोट करना चाहते हैं, अपने ब्रेड एंड बटर इश्यूज पे वोट करना चाहते हैं, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सेफ्टी, सिक्योरिटी. एंड आई थिंक दिल्ली में लोगों ने अपना मन बना लिया है कि इस बार वो अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं. Would you put a bet on the number of seats that you're expecting to win? क्या लगता है? I think we are going to win by a very, very clear majority. But are you looking at a 70 out of 70, a 63 out of 70, a 67 out of 70? क्या? देखिए, well, our Vicky, you can see our slogan is अब की बार 67 पार. But I think that on 8th of February, when people go to vote, there will be a very one-sided vote towards Aam Aadmi Party. Let's see what happens. अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपके नाम को लेके हमेशा बहुत चर्चा हुई है. लास्ट टाइम भी सबने कहा आतिशी मारलेना रखेंगी या नहीं रखेंगी. इस बारी जो पर्चे आए हैं उसमें आपको आतिशी सिंह से नाम दिया गया है. इज दिस आतिशी हैविंग टू एक्सेप्ट द रियलिटी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स कि एक फेमिनिज्म, एक बियॉन्ड कास्ट पॉलिटिक्स जो आप बिलीव करती थी, वो आपके लिए ट्रांसलेटेबल नहीं है? आई थिंक मुझे लगता है कि फोकस हमें काम पे रखना चाहिए. वाई गेट इन टू अ सिचुएशन जहाँ पे नाम की चर्चा ही इतनी हो? आज जब हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, आई एम नॉट आस्किंग फॉर वोट्स बिकॉज आई एम अ पंजाबी, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ सर्टन कास्ट. आई एम आस्किंग फॉर वोट्स बिकॉज द वर्क दैट आम आदमी पार्टी हैज डन, बिकॉज पीपल्स इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आर जीरो, बिकॉज पीपल हैव एक्सेस टू पाइप वाटर विच दे डिड नॉट हैव बिफोर, बिकॉज गवर्नमेंट स्कूल्स हैव इम्प्रूव्ड, एंड दैट रियली इज द फोकस ऑफ आवर पॉलिटिक्स. बट एज अ फेमिनिस्ट, एज समवन हूज लास्ट नेम वाज नेम्ड बाय योर पेरेंट्स आफ्टर मार्क्स एंड लेनिन, जिसकी सोच एक ऐसी थी कि हम जात पात में विश्वास नहीं करते, हम अपने हस्बैंड्स के नेम नहीं लेंगे, हम अपने फादर्स के नेम नहीं लेंगे, टुडे यू हैड टू बिकम आतिशी सिंह. इज दैट द कॉस्ट ऑफ बीइंग इन पॉलिटिक्स? Is that the real price that intelligent women have to pay to be in politics? I'm actually saying that this is quite an irrelevant issue at one level. I think the issue has to be personally, because a lot of people say that, you know, good people, normal, regular people don't come into politics. Maybe this is one of the reasons. I think that the real issues is not as much what my name is. I think the real issue is what the work that we have done. And I think that that really is what the election is about. I think at one level, whether the name is Atishi, whether the name is Atishi Singh, whether it is anything, यू सेड ये असली मुद्दा नहीं है. एक ये भी परसेप्शन है कि जो एक बहुत डिविसिव सिटीजनशिप लेजिस्लेशन है, उसको आम आदमी पार्टी ने साइड स्टेप किया है. यू हैव नॉट, योर लीडर्स हैव नॉट गॉन टू शाहीन बाग, आपने खुल के इस पर कोई पोजिशन नहीं ली. आम आदमी पार्टी का CAA और NRC पे क्या पोजिशन? आई थिंक इसको बिल्कुल साइड स्टेप नहीं किया है. जब ये बिल पार्लियामेंट में आया था तो हमारे पार्लियामेंटेरियंस ने उन्हें अपोज किया था. सो आई थिंक देयर इज एब्सोल्युटली नो साइड स्टेपिंग. आई थिंक व्हाट वी डू नीड
to realize, however, is that the fact that the BJP wants discussion only on CA and NRC, a trap that the media also falls into by repeatedly asking just those questions. It's a very big issue. No, but I'm saying you must understand they are trying to sidestep what the real issues of the times are. The real issue of the time is that the economy is at an all-time low since the early 90s when it had to be liberalized. Unemployment is at an all-time high. Parle ji is saying that people are not buying biscuits which cost 5 rupees. And really, was CA the main issue that our country should be discussing at this time? BJP, the central government, is trying to distract our attention from the real. But isn't it a big issue if there are only Muslims in migrant camps, if the Indian Muslim is feeling disenfranchised? How do you say that it's a small issue? I don't say that it's a small issue, but we have to understand that what the Bhajpa Kendra Sarkar wants. She wants that you don't talk about unemployment. She wants that you don't talk about education. She wants that you don't talk about health. She wants that you don't talk about the bill of electricity. She wants that you only Hindu Muslim rajneeti karte rahiye, Article 370 की राजनीति करते रहिए और आम जनता की जिंदगी वैसी की वैसी खराब रहे उनके बच्चों के पास. माना जाता है कि आम आदमी पार्टी ने एक टैक्टिकल साइड स्टेपिंग कर दिया है सीएए और एनआरसी के मुद्दे पे पोजीशन ना लेके. मेरा ये मानना है कि भाजपा ने इस देश को और बहुत सारी मीडिया को असली मुद्दों से साइड स्टेप करा दिया है कि आप लोग आज शिक्षा की बात नहीं कर रहे हैं. आज आप ये सवाल नहीं पूछ रहे हैं कि बेरोजगारी इतनी हाई क्यों है. आज ये हेडलाइन नहीं है कि 9% अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है. तो हमें भी सोचना पड़ेगा कि असली मुद्दे क्या हैं और राजनीति किन मुद्दों पे होनी जरूरी है. अच्छा, शिक्षा की बात करते हैं. व्हाई आर वी लुकिंग एट समथिंग लाइक आपने हैप्पीनेस करिकुलम की बात की, उसके बाद आपने देशभक्ति करिकुलम की भी बात की. इज दिस अ रीक्लेमिंग ऑफ नेशनलिज्म फ्रॉम द राइट विंग? सी, नेशनलिज्म बिलोंग्स टू ऑल ऑफ अस. दिस कंट्री बिलोंग्स टू ऑल ऑफ अस. नेशनलिज्म इज नॉट अबाउट सपोर्टिंग पाकिस्तान एंड इंडिया ऑन द डे ऑफ दिस मैच और दैट मैच कि भाई पाकिस्तान इंडिया के मैच पे हम इंडिया को सपोर्ट करें. ये नेशनलिज्म नहीं है. अपने देश को ठीक करना नेशनलिज्म है. अगर आप हेलमेट पहन के बिना हेलमेट पहन के बाइक चलाते हैं वो देशभक्त आप नहीं है. अगर आप किसी आम इंसान का काम करने के लिए ब्राइब लेते हैं तो फिर आप देशभक्त नहीं है. एंड आई थिंक दिस रियली नीड्स टू बी इनकल्केटेड इन एवरी सिटीजन एंड एवरी चाइल्ड ऑफ दिस कंट्री. व्हाट इज योर अनफिनिश्ड ड्रीम फॉर द स्कूल्स ऑफ दिस सिटी? एक्चुअली आई थिंक दैट वी आर होपिंग दैट जस्ट एज यू नो व्हेन द नर्सरी एडमिशन सीजन हैपेंस यू हैव लाइंस आउटसाइड प्राइवेट स्कूल्स. आवर ड्रीम इज दैट इन द नेक्स्ट 5 इयर्स यू आर गोइंग टू सी दोस लाइंस आउटसाइड ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स. आतिशी, मैं एक मिनट इनसे पूछना चाहती हूँ क्योंकि आप औरतों के साथ खड़ी हैं. बहुत से लोगों ने डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेस की है कि व्हाई नॉट मोर विमेन कैंडिडेट्स, और औरतों को आम आदमी पार्टी ने टिकट क्यों नहीं दी? आर यू डिसअपॉइंटेड विद दैट? देखिए, पिछली बार हमने 6 कैंडिडेट्स को टिकट दिया था, इस बार 8 को दिया है. वो बढ़ा है, अच्छी बात है. आने वाले समय में और बढ़ाएंगे. सो आर यू नॉट डिसअपॉइंटेड? आई थिंक वी हैव इम्प्रूव्ड, वी हैव टू इम्प्रूव फर्दर. अच्छा, मैं आखिर में आपसे पूछूंगी, इज नरेंद्र मोदी नॉट अ फैक्टर? क्योंकि हमने देखा है कि प्रदेशों में भी आप देखेंगे एक मोदी फैक्टर पूरा गेम बदल सकता है. और लोकसभा चुनाव में आप लोगों के साथ वही हुआ कि दिल्ली का शहर था, आपने तब भी अच्छा काम किया था, आपको तब भी उम्मीद थी, लेकिन मोदी फैक्टर ने सब चीजें बदल दी. डू यू थिंक मोदी इज अ नॉन फैक्टर इन दिस इलेक्शन? देखिए, व्हेन इट वाज अ लोकसभा इलेक्शन द पीपल ऑफ दिस कंट्री have proposed their faith in Modi to be the Prime Minister of this country. Whether we like it, whether we are on different sides of the political spectrum, but the fact is that the country has supported Narendra Modi, wanted to see him as the Prime Minister. But when we talk about state elections, then the state election is on local issues. Just like people want to see the Prime Minister here, people want to see the Prime Minister here. So if you look at Delhi, there is only one CM face across Delhi that people want to see, and that's Arvind Kejriwal. And do you think it's because the other side does not have a candidate? और इसमें आप कांग्रेस को कहाँ प्लेस करेंगे? देखिए, कांग्रेस तो आपके सब मीडिया चैनल्स के सर्वे सब कोशिश के बाद भी उन्हें डबल डिजिट में नहीं ला पाए हैं किसी भी सर्वे में. आपको नहीं लगता कि वो वोट स्प्लिट कर पाएंगे? देखिए, वो अब कोई 6%, कोई 8%, तो रियली दे आर नॉट एन एंटिटी. आप बीजेपी को भी देखिए, उनके पास ना एजेंडा है ना चेहरा है. इवन दो उनके इतने बड़े बड़े नेता दिल्ली में हैं, दे डोंट सीम टू हैव द करेज टू पुट एनीवन अक्रॉस अरविंद केजरीवाल बिकॉज़ इट. तो आप कह रहे हैं बीजेपी डर रही है टू अनाउंस अ चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट? वेरी क्लियर. आप मनोज तिवारी जैसे लीडर को किस कैटेगरी में डालेंगे? बीजेपी अनाउंस करे उन्हें सीएम कैंडिडेट. हरदीप पुरी ने उन्हें सीएम कैंडिडेट अनाउंस किया, 1 घंटे में विड्रॉ कर लिया. अगले दिन जब एक जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा तो हरदीप पुरी कहते हैं, आप मेरी बात को इतना सीरियसली क्यों लेते हैं? आप कांग्रेस को किस रूप से देखते हैं? एक जमाना था जब अलायंस की बात होती थी, अलायंस की बात हुई भी लोकसभा में. आज क्या कांग्रेस आपके लिए एक अपोनेंट है कि एक नॉन सीरियस एक तरह से एक कॉन्टेस्ट है? देखिए, कांग्रेस इज अ नॉन एंटिटी इन दिस इलेक्शन. आई थिंक दैट ऑल कैंडिडेट्स फ्रॉम
Congress are likely to lose their deposits. Okay, Atishi, good luck and thank you. Thank you.